guys, Professor Nidhi Trivedi here, and today we are going to solve the example of turbulent flow. Turbulent flow का एक sum तो exam में होता ही है और हमने अच्छे से करना है. चलो start करते हैं. जो भी मैं sum कर रही हूँ वो फिलहाल screen पे चल रहा है, तो please video को pause करें और अच्छे से देख लीजिए क्या दिया गया है, क्या find करना है. तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ एक rough pipe दी गई है जिसका dia है 40 centimeter और ध्यान रखिए centimeter है, 100 से divide करेंगे तो हो जाएगा 0.4 meter. फिर हमें दिया गया है डिस्चार्ज विच इज 0.6 मीटर क्यूब पर सेकेंड. हेडलॉस दिया गया है एचएफ 3 मीटर, जो एक नया है हमारे लिए. ये सम थोड़ा अलग है इसीलिए ध्यान से देखना है. आगे मैं बताऊंगी कि ये क्यों दिया गया है. लेंथ है 15 मीटर और हमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी गई है 1 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. हमें जो फाइंड करना है वो है रफनेस ऑफ पाइप एंड थिकनेस ऑफ लेमिनार सबलेयर. अगर आपको जानना है ये क्या है तो आपको जाके देखना है व्हाट इज हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ बाउंड्री एंड रफ बाउंड्री. तो बच्चों आगे भी हमने एक ऐसा सम किया है जहां हमने रफनेस ऑफ पाइप फाइंड किए. तो हर एक सम करने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा रफ वर्क करते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, किस तरह से फाइंड करेंगे. तो चलो कर लेते हैं. 1/√f इक्वल टू जो हमने निकुराट से ने दिया है जो फ्रिक्शन फैक्टर फाइंड करने के लिए है 1/√f 2 log 10 r/k +1.74 वेर k इज अवर रफनेस ऑफ पाइप जो हमें यहां से फाइंड करनी है. r हमारा रेडियस है वो तो हमें डायमीटर बाय 2 करके मिल जाएगा और ये जो f है वो हमें फाइंड करना होगा इसको फाइंड करने से पहले. तो f कहां से मिलेगा, तो बच्चों इसीलिए यहां पे hf दिया गया है क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है डार्सी का hf इक्वल टू FLV² / 2GD. तो यहां से हमें f मिल जाएगा. अगर बात है थिकनेस ऑफ लेमिनार सब लेयर की तो निकुराट से ने उसके लिए भी क्राइटेरिया दिया है जो हमने थियरी में देखा है दैट U*(U*ΔS/ν = 11.6. यानी यहां से हमें ये मिल जाएगा. बट यहां हमें ये दिख रहा है कि इसमें U* है जो हमें चाहिए, न्यू तो हमें दिया गया है. तो U* हमें फाइंड करेंगे शेयर वेलोसिटी वाला फॉर्मूला U*(U*average×F/8. अगर आपने ना देखा हो व्हाट इज द शेयर वेलोसिटी और उसके दो फॉर्मूला तो आपको जरूर से जाके देखना है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है. और यहाँ जो यू एवरेज है वो तो Q/E करके मिल जाएगा. तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. पहला हमने फाइंड करना है यू एवरेज विच इज Q/A, यानी Q और एरिया होगा π/4D². सारी वैल्यू हमारे पास है, रख दीजिए. यानी जो मिलेगा मीटर पर सेकेंड. अभी हमने फाइंड करना है रेनॉल्ड नंबर होता है Vd/ν. यहाँ हमने यू एवरेज यूज किया है U average × D/ν. यू एवरेज फिलहाल फाइंड अभी ही किया है हमने, डी हमारे पास है और न्यू दिया गया है. जो मिलेगा ध्यान रखे एक डायमेंशन लेस नंबर है, यानी इससे तो पता चला कि ये एक टर्बुलेंट फ्लो है. अगर टर्बुलेंट फ्लो है और उसमें एक रफ पाइप है तो समझ में आ रहा है तो निकुराट से का एक्सपेरिमेंट है. बट यहां अपने आगे ही देखा कि हमने के फाइंड करना है, इसलिए इस बार हम एफ किस तरह से फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूला से, डार्सी के फॉर्मूला से. यानी थर्ड होगा HF = FLU average² / 2GD. HF हमें दिया गया है 3 मीटर, F हमने फाइंड करना है, लेंथ दी गई है और यहाँ याद रखे ये वेलोसिटी का स्क्वायर है जो हमने फाइंड किया था, 2G की वैल्यू 9.81 और डायमीटर भी हमें दिया गया है. ये भी एक डायमेंशन लेस नंबर है वो ध्यान रखें. यानी F = हमें मिल चुका है. अभी हमने फाइंड करना है पहला टर्म हमारा जो रफनेस ऑफ पाइप है, उसके लिए जो निकुराट से ने फॉर्मूला दिया है वो रखते हैं 1/√f 2 log 10 r/k + 1.74. F अभी ही हमने फाइंड किया है, रूट में लिखे ध्यान रखें 2 log 10. रेडियस हमें मिला D/2 करके और K नीचे रख दीजिए +1.74. अभी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि किस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है कैलसी में, तो ध्यान से देखें. तो क्या करेंगे हम, हमें फाइंड पहले हम इतना फाइंड करेंगे, यानी क्या होगा इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसको इस साइड ले आएंगे, यानी 1/√6.689 - 1.74. अगर आप इसको शांति से वीडियो पोस्ट करें, फिलहाल वीडियो पोस्ट करें और इतना सॉल्व करें तो आपको मिलेगा कुछ इतना 2.069. यानी हमें मिला 2 log 10.2 / k = 2.069. अगर मैं इसको सब्जेक्ट बनाऊं सिर्फ log 10
0.2 बाय के, यानी क्या हो जाएगा 2.069 डिवाइड बाय 2. अगर इसको डिवाइड बाय 2 करें तो मिलेगा 1.0348. अगर आपको करना है तो वीडियो पॉज करें और साथ में कैल्सी लेके थोड़ा करें. यानी अभी क्या करना है, अभी मुझे ये मिल चुका है, यानी ये मुझे मिल चुका है अभी लॉग 10. अभी कहाँ करना है ये इंपॉर्टेंट स्टेप आपने मैथ्स में देखा है. अगर मुझे यहाँ से लॉग 10 निकालना है तो क्या होगा, ये 0.2 डिवाइड बाय के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 की पावर में ये वैल्यू चली जाएगी, 10 की पावर में इनवर्स 10 की पावर में 1.0348. समझ में आ रहा है, 10 रेस टू द 1.0348 और यहाँ बचेगा सिर्फ 0.2 बाय के. अभी भी ध्यान से देखना है, यानी क्या होगा ये 1/k और ये नीचे चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. यानी 1/k इक्वल टू 10 रेस टू 1.0348 डिवाइड बाय 0.2. अगर इतना ही सिर्फ सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 57.171. ध्यान से करें 57.171, पर ये तो हमें मिला 1/k इक्वल टू 57.171. पर मुझे k अगर इस साइड ले आओ तो ये इस साइड चला जाएगा, यानी k इक्वल टू हो जाएगा 1/54.171. इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू मिल जाएगी, विच इज रफनेस ऑफ पाइप 0.0184 मीटर. यानी हमें ये मिल चुका है और अभी लास्ट ही हमने फाइंड करना है विच इज द थिकनेस ऑफ लेमिनार सब लेयर. पर मैंने बोला कि उसके लिए हमें चाहिएगा यू स्टार, और यू स्टार हमने शियर वेलोसिटी क्या होती है वो हमने किया है. यानी यू स्टार इक्वल टू होता है यू एवरेज इंटू एफ बाय 8. यू एवरेज हमारे पास है, एफ की वैल्यू है सबको रख दीजिए, यानी यू स्टार मिलेगा विच इज शियर वेलोसिटी, यूनिट है मीटर पर सेकेंड. और अब जल्दी से रख दीजिए निकुराट से ने जो वैल्यू दी थी रेंज की, यू स्टार डेल्टा डैश अपॉन न्यू इक्वल टू 11.6. यानी डेल्टा डैश को सब्जेक्ट बना है विच इज थिकनेस ऑफ लेमिनार सब लेयर. यानी क्या होगा 11.6 इंटू न्यू बाय यू स्टार. यानी न्यू क्या है हमारे पास, न्यू हमें दिया गया है विच इज 1 × 10⁻⁶. और यू स्टार फिलहाल ही हमने फाइंड किया था यहाँ, यानी ये मिल चुका है. इसको सॉल्व करें अच्छे से, यानी हमें मिला 2.63 × 10⁻⁵ मीटर. क्या होगा, मीटर. समझ में आ रहा है. तो अगर आपने देखा है व्हाट इज हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ बाउंड्री एंड रफ बाउंड्री वाला कॉन्सेप्ट, तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ जो के है रफनेस ऑफ पाइप है वो थिकनेस ऑफ लेमिनार सब लेयर से ज्यादा है. यानी ये रफनेस है वो ज्यादा है, यानी कि ये डेफिनेटली ये रफ पाइप है. यानी इस सब में आपको आंसर की भी जरूरत नहीं है, यहां से पता चल गया है कि आपने जो आंसर किया है वो सही है. आई होप आपको ये समझ में आया है. जो प्लेलिस्ट है उसमें हमने हर तरह के सम किए, तो वो भी जरूर से देखें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर से करें.